बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम तारीखी वाकया के हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा का एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर। जनाब हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था, तो ज़रूरत महसूस की गई कि मुसलमानों का अपना एक इस्लामी साल होना चाहिए। उसके लिए मजलसे मुशावरत मुनक़िद की गई। तमाम सहाबा किराम जो उसमें हाज़िर हुए, सब ने अपनी अपनी राय दी। मुख्तलिफ आरा थीं जिनमें से कसीर तादाद सहाबा किराम की इस बारे में थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत का, यानी आका को जब अल्लाह ने अपने ऐलान नबूवत और इजहार नबूवत का हुक्म दिया, उससे हम आगाज़ करें। जब जनाब हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा से इस बारे में राय मांगी गई और आपसे मशवरा चाहा गया, तो आपने फरमाया कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे अहम वाक़या और अहम बात जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिजरत है। तो इस्लामी साल का आगाज़ हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए। इस राय को सब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पसंद फरमाया और इसके मुताबिक ही इस्लामी साल का आगाज़ हुआ। इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी तकवीम और इस्लामी जंतरी इसके मुताबिक शुरू की गई। आज जैसे हम कहते हैं कि ये 1445 हिजरी है, तो गोया ये उस दौर से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हिजरत के दिन से इसका तय्यून करते हुए आज इतने साल बनते हैं। देखा जाए तो ये हज़रत मौला अली मुर्तज़ा का बहुत बड़ा एहसान भी है और इसमें आपकी बसीरत का एक ख़ास पहलू है। वो ये है कि नज़ूल क़ुरान हकीम अल्लाह की लारैब किताब है, हिफाजत इलाहिया में है। उसका जो हिस्सा मक्का मुकर्रमा में नाजल हुआ, हम सूरतों के अस्माए मुबारका के साथ पढ़ते हैं, ये सूरा मक्किया है, ये सूरा मदनिया है। जो 87 सूरतें 87 सूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई वो मक्किया कहलवाती हैं, और 27 सूरतें 27 सूरा मदीना तैयबा में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलवाती हैं। गौर तलब अमर ये है कि हिजरत नबवी इतना बड़ा और अहम संगे मील है हुजूर की मुबारक सीरत में, और इसकी इस्लाम में इतनी बड़ी अहमियत है कि हज्जतुल विदा के मौका पर सूरह नसर का नुज़ूल होता है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु वराइतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इसका मजमून ही बता रहा है कि बिल्कुल ये आखिरी दिनों की सूरत है कि जब अल्लाह के दीन में फौज दर फौज लोग दाखिल हो रहे थे, कबाइल अरब सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक परचम के ज़ेर नगीं जमा हो रहे थे, इस्लाम के दामन में आ रहे थे। इस सूरा के बारे में मुफस्सरीन कुरान हकीम की राय यह है कि यह हिज्जतुल विदा के मौका पर नाजुल हुई जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे, लेकिन इसे तरतीब के एतबार से मदनी सूरतों में शुमार किया गया, क्योंकि अब हुजूर मक्की नहीं है, अब हुजूर अलैहिस्सलाम मदनी है। ये बहुत बड़ी एक बात है। इसी तरह फिर इस्लामी साल का आगाज़ जो हुआ, तो उसके बाद आगे से आगे तायुन वाक़यात का इस हवाला से होने लगा, जब तक ये इतना बड़ा एहसान, इतनी बड़ी रहनुमाई है। मैं इसे अपने तालिबिल्माना राय के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि जब तक इस्लाम मौजूद है बामदही ताला, उस वक़्त तक इस्लामी साल का तायुन होता रहेगा। और ये रहनुमाई है जनाब बाबे मदीनातुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की।